यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जो चुनाव हुए, उपचुनाव, उसके बाद नतीजे सामने आ रहे हैं और रामपुर सीट पे समाजवादी पार्टी को थोड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी यहां से बड़ी जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगर रामपुर सीट की स्थिति की बात करें, रामपुर में सपा ने फिलहाल तो बड़ी मजबूत बनाई है। रामपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा 10,000 वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं। आसिम को अभी 72,089 वोट मिले, वहीं बीजेपी के घनश्याम लोधी को 62,092 वोट मिले हैं। दरअसल रामपुर की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने आजम खान को दी थी और आजम खान पर ही निर्भर करता है कि उन्होंने कैसे यहां पर जो है मुसलमान वोटर्स को अपने साथ जोड़ा। दरअसल देखा जा रहा है कि रामपुर सीट पर बहुत पहले से आजम खान तैयारी कर रहे थे, बहुत पहले से ही वो अपने कैंडिडेट के लिए काम कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी ने भी बहुत सोच समझ कर अपने कैंडिडेट को उतारा। हालांकि देखा जा रहा है कि रामपुर में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआती रुझान में जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो वहीं धीरे धीरे करके बीजेपी के कैंडिडेट भी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।